इसमें सबसे बड़ा बिग मिस्टेक क्या है, बड़ा मिस्टेक क्या है, यहाँ आप देख पाए 9 इंच का दीवार आपको, तो ये बॉक्स ग्रिल है क्योंकि ये पिलर का पिलर सेंटर होना चाहिए। तो देखिए इसको भी ड्रिल करके भी लगाया जाता है, उससे ज्यादा ये मजबूत होता है। तो फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो है कटिंग हो गया था, जो आपको वो विंडो जो दिखाए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंडीशन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार आलम। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि विंडो ग्रिल लगाने का बिग मिस्टेक क्या है और इसको लगाने का सही तरीका क्या है। जिस विंडो ग्रिल को देख रहे हैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। तो दोस्तों इस और हमें बहुत सारा ऑडियंस यानी दोस्तों ने कमेंट किया है कि आप धागा में पिलर लेआउट करके हमको बताइए, यानी धागा से कैसे सावल गिराते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो बना के बताएँ। तो दोस्तों हमें टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं बना पा रहा हूँ, तो बना के आप लोगों को दूंगा, आप लोग निश्चित रहिए। और अभी तक जो मेरा चैनल में नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए जानिए कि विंडो ग्रिल कैसे लगाएं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये विंडो ग्रिल है और ये दीवार जो है मेरा 9 इंच का दीवार है। तो इसमें सबसे बड़ा बग, इसमें सबसे बड़ा बिग मिस्टेक क्या है, बड़ा मिस्टेक क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं 9 इंच का दीवार, आपको 4 इंच का दीवार दिखाई दे रहा है। ये 9 इंच का दीवार है क्योंकि इसमें ये 4 इंच जो है हम लोग कटिंग कर लिए हैं। तो दोस्तों ये कटिंग क्यों करें, आखिर ये मिस्टेक होने की वजह से हम लोग कटिंग किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए आखिर कटिंग क्यों करना पड़ा। आप देखिए इस ग्रिल को बनाया है तो ग्रिल मिस्त्री ने बनाया है, ठीक है, वो तो ग्रिल ठीक बनाया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रिल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कंडीशन है कि इसको बचाने के लिए अलग कंडीशन से काम करना पड़ेगा। तो ये आपको वीडियो के एंड में बता देंगे आप लोग। आप पहले देखिए ये ग्रिल को, ये ग्रिल पूरा सेफ है और ये डिजाइन वाला कॉलम है पिलर, तो गोल वाला जो पिलर होता है जो आप देख पा रहे हैं ये सुंदरता के लिए दिया जा रहा है। तो ये बॉक्स ग्रिल है क्योंकि ये पिलर का पिलर सेंटर होना चाहिए। तो देखिए इसको फिर ड्रिल करके भी लगाया जाता है, उससे ज्यादा ये मजबूत होता है, तो जिसके वजह से ये ग्रिल बनाया गया है। तो दोस्तों इस ग्रिल को लगाने के लिए ये कटिंग करना पड़ा, क्यों कटिंग करना पड़ा, अब देखिए ये अगर पूरा अगर 9 इंच का दीवार को रखते हैं तो ये ग्रिल इधर या उधर घुसेगा नहीं। जैसे आप इधर देख पाए, आप इधर देखिए, अगर इस ग्रिल को इधर खींच करके इधर घुसाएंगे तो घुसेगा नहीं। अब इसको खींचने के लिए यहाँ कटिंग करना पड़ेगा, तो वही प्रोसेस हम यहाँ किए हैं। आप देखिए यहाँ किए, आप देख पा रहे होंगे इसको क्या किए, जैसे हम लोग ग्रिल ऐसे करके घुसाए तो ये पूरा पर्सन ऐसे खींचे, ऐसे घुसा दिए, तब उसके बाद ग्रिल को उधर ठेले, ठेलने के बाद इसको फिर शेफ्ट में लगाए। क्योंकि ये ग्रिल जो है अगर जैसे आप उधर दिखाए कि अगर यहाँ कटिंग नहीं करते तो ये घुसेगा नहीं, ये तो ठोकर हो जाएगा, तो उसी के वजह से पहले इधर घुसाए, इसको कटिंग करके तब उसको उधर शेफ्ट कर दिए, फिर इसको इधर लगा दिए। तो दोस्तों बिग मिस्टेक का मतलब ये है कि जैसे हम लोग 9 इंच का दीवार को कटिंग किए हैं तो ये कटिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें चिनाई करना पड़ेगा। आप तो मैं चाहता हूँ कि जो सही तरीका है, तो जहाँ आप ग्रिल बनवाते हैं तो वहाँ क्या कीजिए, एक पर्सन का ग्रिल यहाँ जो पत्ती देख रहे हैं यहाँ आप वेल्डिंग नहीं करवाइए, कटवा दीजिए और यहाँ ला करके ग्रिल घुसा करके तब इसको वेल्डिंग करवाइए, ताकि क्या होगा ये कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलिए, यहाँ तो हो गया, ये लोग ये गलती आप लोग ना करें, यहाँ ला के वेल्डिंग मिस्त्री से वेल्डिंग करवा ले। दूसरी बात आपको हम दिखा रहे कि यहाँ आपको चिनाई करना पड़ेगा, तो चिनाई कैसे क्या आता है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो है कटिंग हो गया था, जो आपको वो विंडो जो दिखाए तो वो विंडो का भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे कटिंग करके घुसाया गया, तो यहाँ काम हो रहा है, तो हम जो मैं जो है आपको यही दिखा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 इंच का जो कटिंग हुआ है इसको चिनाई करके बंद किया जा रहा है। जैसे कि आप देखिए ये 4 इंच का कटिंग किए और कटिंग करने के बाद विंडो को लगा दिए, लगाने के बाद क्या किए कि 2 ईंट चिनाई करके उसके बाद गिट्टी मसाला से, जो आप देख पा रहे होंगे ये गिट्टी मसाला है, ये मसाला से हम लोग जाम कर दिए। उसके बाद फिर इसी के ऊपर जो है 4 इंच का चिनाई किए, करने के बाद फिर इसमें स्केलर ऊपर आएगा और चिनाई होगा, यहाँ फिर गिट्टी मसाला से जाम करके चिनाई कर देना है। तो दोस्तों ये मिस्टेक को सुधार करने के लिए यही एक ऑप्शन था, तो ऐसे करना, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि ऐसा ना हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला होगा, सीख मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।